मिला उसी बात में। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, मजा आ गया भाई। ये कुछ बार्गेनिंग वार्गेनिंग करते तो फाइनल है, फाइनल हाँ मिला हुआ इसी बात में। जय हिंद जय भारत, क्या बात है, मजा पक्की बात, मिला हुआ जय हिंद जय भारत, क्या बात है, अच्छा लगा भारत है तो मिला हुआ इसी बात में। जय हिंद जय भारत, क्या बात है, अच्छा लगा भाई से। एक ही डेट है, पक्की बात है, मिला हुआ जय हिंद जय भारत, अरे मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। एक ही डेट है, पक्की बात है, मिला हुआ जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा भाई से मिल गया। और अल्लाह दिन का चिराग गई सही बताऊँ भैया जी, हमने अल्लाह दिन का चिराग सुना था तो भाई अल्लाह दिन का चिराग मिल गया मुझे। मैं बचपन से तलाश कर रहा था इस चीज़ की और मुझे अब मिला जाके, ठीक है। जब ये कुछ रगड़ लूँ कुछ निकल जाए क्या पता जिन निकल जाए भाई हमारी भी किस्मत खुल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके आ गया भाई जामा मस्जिद पटरी मार्केट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जामा मस्जिद क्षेत्र है। और आज हम यहाँ पर चलेंगे और एक नया कलेक्शन देखेंगे, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो पे। आप वीडियो बदल रहे ना, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको जामा मस्जिद पड़ेगा, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4, और ठीक उसके साथ में ये मार्केट लगना शुरू होती है भाई। इस मार्केट को मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है और जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा भाई जामा मस्जिद, ये देखो ये है जामा मस्जिद, ठीक है। और ये जामा मस्जिद है, मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 4, और इधर जाएंगे तो ये सामने है लाल किला। तो भाई हम अपनी वीडियो की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा हम वो कवर करते रहेंगे। शुरू में भैया हमें एक जींस वाले भैया मिले जिन्होंने जींस रखी हुई है, भैया से पता करने की कोशिश करते हैं। भैया कितने कितने की दे रहे हैं जींस? 200 रुपये की। कोई सी मिले भले ही भैया, बॉयज़ है लेडीज़ है? बॉयज़ है, ठीक है भैया। 200 साइज सारा मिलेगा, देखो भैया ने टांग रखा है ना फीता, तो साइज सारा मिलेगा। ये भाई मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हैं भैया, कहाँ से हैं? कहाँ से? बंगाल से। तो चलो और आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ भी हमें शर्ट वाले भैया मिले। भैया जी कितनी दे रहे शर्ट? 200 रुपये की। तो भाई दे रहे हैं 200 रुपये की शर्ट। ये देखो एक भैया ले भी रहे हैं, इनका साइज वाइज चेक कर रहे हैं भैया। और इसके बगल में भैया एक पैंट वाले भैया मिले, जींस वाले भैया। अभी हमने जींस पता की, इनसे ही पता कर लेते हैं भाई कितने की दोगे? 250 रुपये की। पक्की बात है, मिला हुआ इसी बात में तो भाई 250 की देंगे जींस। इधर चलते हैं, यहाँ भैया आपको फॉर्मल पैंटें मिल जाएंगी। भैया कितनी देंगे? 250 का सर। 250 का, कोई सा भी लें? कोई सा भी लो, ले भाई। हाँ तो भैया एक पीस खोल के दिखाएंगे। ये देखो भाई ये 250 रुपये का रहेगा ये पीस, ठीक है, ये हमारे भैया हैं। और भैया बहुत से कलर आपको यहाँ मिल जाएंगे। भैया जी हाथ मिलाओ इसी बात पे, कुछ कम कर लोगे 250 में? होलसेल का रेट है 225 रुपये। 225 रुपये अगर 5-7 पीस लेंगे, 5-7 पीस लोगे आपको पड़ जाएगा, तो 225 रुपये पड़ जाएगा, लग जाएगा। तो अच्छा लगा भाई से मिलके। इधर देखो एक भैया कैप वाले भैया हैं, ठीक है भैया कैप पता करते हैं। अरे तेरी क्या बात है भाई, मुस्कुरा रहे हैं, भाई के साथ एक सेल्फी बनती है भाई। इधर आओ, क्या पता आप स्टार स्टार बन गए बाद में। कल तो मिले थे हमने, मिले थे अपन। हाँ ये कितने इधर भैया? सेम रेट है। अच्छा आप वही हो गया ये भाई, यहाँ मिल गए भाई ये 100 रुपये वाली भैया कैब दे रहे हैं। देखो भैया मुस्कुरा रहे तो भैया ये 100 रुपये वाली कैब है, मुझे मैंने भैया को पहले कवर किया इंदर लोक के अंदर है ना भैया। तो अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे देखते हैं। अच्छा भैया ये बैंड कितने देंगे? 200 रुपये भैया, ये बैंड देंगे 200 रुपये। एक भाई आया हमें देखते हुए, कहाँ से भाई? बिहार से है भाई, ठीक है, अच्छा लगा भाई से मिलके। और ये भाई आपको 200 रुपये की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरह की बैंड, ठीक है। और भाई यहाँ जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ये बैंड, उसके बगल में आपको मिल जाएंगे पर्स। भैया कितने देंगे भाई पर्स? कोई सा भी लें? क्या बात है भैया, लेंगे 100 रुपये का ये पर्स दे देंगे आपको। ये भी 100 रुपये का, ये भी 100 रुपये का, ये हमारे भाई है। अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं हमें और क्या। भैया यहाँ आपको लोअर मिल जाएंगे। भैया जी कितने देंगे लोअर? 200 रुपये का। क्या बात है भैया, यहाँ पे आपको वाइट शर्ट मिल जाएंगी लोअर के साथ में। ये वाइट, पहले वाइट शर्ट पता करते हैं भैया कितने ही देंगे। भैया जी कितने की देंगे वाइट शर्ट? 150 रुपये की। क्या बात है, चमकता हुआ माल है, आप दे सकते हैं। और भैया ने देखो कितनी सारी टांग रखी है, ये ऊपर वाली भैया 150 रुपये की है। कोई सा भी आप ले सकते हैं, आपको 150 रुपये की ही यहाँ पर हमारे भैया देंगे। भैया से मिलकर अच्छा लगा भैया जी, हाथ मिलाओ इसी बात में। इसके बगल में भैया एक जींस वाले भैया और मिले, तो ये भैया पता करते हैं भाई आप कितने देंगे जींस? 250 की। तो भैया देंगे 250 रुपये की जींस, ये देखें इस तरह की जींस रहने वाली है। और भैया टी शर्ट? टी शर्ट 150 की, और ये 250 रुपये की इस तरह की रहेगी। और भैया ये वाली टी शर्ट कितने देंगे? ये वही है क्या? अच्छा ये वाली जो है ये यही है। एक भैया और मिले हमें वाइट शर्ट वाले भैया, ये देखो भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त चमक रहा है दूर से ही। भैया कितने देंगे? 150 150 रुपये। पहले 100 रुपये की आती थी ना, महंगा हो गया ना
अब महंगा हो गया तो भैया, अब महंगा हो गया। पहले 100 की आया करती थी, अब भैया ने 150 प्राइस कर दिए इनके। कोई सी भी लें इसमें 150 रुपये की आपको मिलेंगी। अरे इधर देखो, टी शर्ट देख भैया, टी शर्ट बेचना भैया, कितने देंगे? 100 रुपये। पक्की बात है? हाथ मिलाओ इसी बात पर। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। ये देखो आपको 100 रुपये की हमारे भाई टी शर्ट, सारा फ्रेश के अंदर है ना जी भैया, फ्रेश के अंदर है सारा माल, ठीक है। ये देखो भाई साहब, इस तरह का माल रहेगा हमारे। भैया आपका नाम बता दो। ये मोहम्मद इत्तेहार हमारे भाई हैं, जो कि आपको 100 रुपये की शर्ट दे देंगे। और जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने बैठते हैं, देखो बिल्कुल ये जामा मस्जिद। जब आप आएंगे यहाँ से गेट नंबर 4 से, तो आपको हमारे भाई मिल जाएंगे। वाकई में दिल से अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ कार्गो कुर्गो मिल जाएगी आपको भैया जी। ये देखो भैया, कितनी देंगे कार्गो? 300। पक्की बात है? तो भाई देंगे 300 रुपये की कार्गो इस तरह की। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलकर। भैया टी शर्ट कितनी देंगे? 150 रुपये। भैया कुछ बार्गेनिंग करते तो फाइनल है? फाइनल हमला हुआ इसी बात पे। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, ये अच्छा लगा देख के। और आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं भाई, वहाँ देखते हैं। वहाँ भी हमें लोअर और टी शर्ट ही देखने को मिली, ठीक है। इधर शर्ट देखने को मिली, यहाँ पता कर लेते हैं शर्ट भैया किस किस रेट के देंगे हमें, पता करते हैं। भैया जी शर्ट कितने देंगे आप? ये 200 रुपये। ये कोई सी भी शर्ट लें? अच्छा भैया कोई सी भी शर्ट आप ले सकते हैं, आपको 200 रुपये की हमारे भाई दे देंगे। ये भैया कुछ कम ज़्यादा करते हैं फाइनली? बिल्कुल फिक्स। पक्की बात? मिला हुआ। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, अच्छा लगा भाई। एक भाई हमें पैंट बेच रहे हैं, ठीक है, नाप तोले बेच रहे हैं। देखो भैया कमर नाप के फिर देंगे। भैया पता कर लेते हैं, भैया कितने देंगे? 250 का है भाई। 250 का भैया, 250 का भैया आपको ये पैंट दे देंगे। कलर बहुत सारे हैं, ठीक है, और इस तरह की भी हैं, इस तरह की भी हैं, इस तरह की भी हैं, कोई सी भी लें 250 के देंगे। भैया सही से बताना, कुछ कम कर देते हो? होलसेल में कम होता है। अच्छा होलसेल में कम होगा, एक आधे में नहीं होगा, हैं? तो मिला हाथ इसी बात पर। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, अच्छा लगा भाई से मिलके। इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें और एक भैया टी शर्ट वाले बच्चों की टी शर्ट बेचते हैं। बच्चों वाले अच्छा कितने दोगे भैया जी? 150 का दो। 150 का दो यानी 75 रुपये का एक। एक भी दे देते हैं आप? 80 का है। एक 80 का है और 2 75 का। 150 का सॉरी, 2 150 का। और आगे बढ़ते हैं, भैया से मिलके अच्छा लगा। इधर चलते हैं हम, यहाँ तक आ गए भाई, और हमें जाना है बिल्कुल जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में, वहाँ चलते हैं। इस तरह चलेंगे, जो भी सामने आएगा हम वो दिखाते रहेंगे। हाँ भाई यहाँ चलते हैं, देखो भैया ने कैसे टांग रखे हैं। भैया टी शर्ट वी शर्ट टांग रखे हैं, लोअर टांग रखे हैं, ठीक है। ये लेडीज़ लोअर है ना भैया? हाँ लेडीज़ पजामे। पजामे कितने दोगे भैया जी? 150 के दो। 150 के दो, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा? नहीं। एक ही रेट है? पक्की बात है? मिला हुआ। जय हिंद जय भारत। अरे मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया भाई। ये देखते हैं भैया पेंट कितने दोगे? ये 200 रुपये की है। 200 रुपये की एक है। ये लेडीज है ना, तो ये जेंट्स है? तो जेंट्स है ना। क्या बात है, हमारे लाइक भी मिल जाते हैं भैया। ये टी शर्ट वीशर्ट कितने की देंगे जो सामने लगा रखी है? डेढ़ सौ रुपये की भैया। लेडीज़ की जो है ये तो ये भी 150। 150 लेडीज़ का लो चाहे जेंट्स का लो, भैया देंगे 150 रुपये का इस तरह। ये भी 150 की भैया जी। भाई वाकई में हमारे भाई ने बहुत सारा चीज़ मेंटेन कर रखी है, और भैया की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। भैया एक बार दोबारा हाथ मिलाते हैं और जय हिंद जय भारत के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलते हैं, यहाँ हमारे भाई रखते हैं चश्मा इस तरह के। भाई काफ़ी सारे भैया के पास आर्टिकल हैं, भैया पता करने की कोशिश करते हैं। भाई जी कितने देंगे? 100 रुपीज़ भाई जान। 100 रुपये का चाहे कोई सा भी ले? अरे क्या बात है भाई, एक चश्मा पहन के देखे। अरे यार बस मोहब्बत ही से आपकी मोहब्बत खींच के लाती है हमें तो यार। क्या बात है। हाँ ये देखो भैया, एक चश्मा पहन के देखते हैं। भैया एक चश्मा हमें पहनाओगे? ये वाला उतारते हैं अपने वाला, और आप वाला पहनते हैं। भैया अच्छी अच्छा चश्मा दिखाओ जो यानी चलता है ज़्यादा। हाँ अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ये चल रहा है आजकल ये चश्मा? तो भाई ये चश्मा बताना, ये हमारे भाई का चश्मा है, ठीक है। ये लग कैसा रहा? ये मात्र 100 रुपये का मिलेगा आपको, जो चश्मा मैंने अभी पहना है, ठीक है। ये हमारे भाई है। भाई जी अपना नाम बताना। मोहम्मद तासीर। मोहम्मद तासीर भाई, अपना आपका नाम क्या था? इरफान भाई। जब आप मेट्रो गेट नंबर 4 से आएंगे तो ये दोनों भाई हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, चश्मे वाले भैया के साथ में, इनकी शॉप है, ठीक है। भैया ये पकड़ो एक बार, ठीक है। भैया आप सही से बताना, कुछ कम हो जाएगा? नहीं कम नहीं। नहीं होगा? एक ही रेट है। पक्की बात है? मिलाओ हाथ। जय हिंद जय भारत। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। देखो इधर वाइट शर्ट हम पता कर ही चुके, ठीक है। अरे यार यहाँ भैया मिल गया हमें ये बेल्ट वाले, मात्र 50 रुपये की आपको बेल्ट दे देंगे, ठीक है। और ये वॉलेट ही 50 रुपये का? अरे भाई यार मुस्कुरा कितने प्यारे रहे, हाथ मिलाओ इसी बात पर यार। क्या बात है। तो भैया ये 50-50 रुपये आपको यहाँ पर वॉलेट मिल जाएंगी, और 50 रुपये की आपको बेल्ट मिल जाएंगी, ठीक है। और भैया जो पीछे लगा रखी है ये 100 का भी है, 200 का भी है। ये तो झांसा देने के लिए कि 50 रुपये आ जाए एक बार बंदा। तो यार पसंद तो वो वाली आती है जो ऊपर है, ठीक है। ये तो केवल बुलाने के लिए ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे भाई है, इनकी जो मुस्कान है बहुत अच्छी लगा भाई से मिलके। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं।
यहाँ देखते हैं हमें और क्या, यहाँ देखो जींस अभी हम पता करें। अरे कार्गो, कार्गो भाई से पता करते हैं भाई कार्गो कितने देंगे। भैया जी कितने देंगे, कितने का? 450 रुपये की आपको इस तरह की कार्गो देखने को मिल जाएंगे। भैया अगर जींस भी नीचे, भैया जींस किस चीज़ रेडी देंगे? जींस 300 की देंगे और कार्गो 450 रुपये देंगे। ये देखो इस तरह की रहेंगी। और भी कार्गो है, एक ही कार्गो है आपके? अच्छा यही है। तो भैया ये इस तरह का भैया हमारे भैया रखते हैं, सैंपल है। चलो ठीक है भैया से मिलकर अच्छा लगा, इधर चलते हैं। यहाँ देखो अभी मैंने आपको चश्मा दिखाया था, चश्मे वाले भैया दोबारा मिले ठीक है। यहाँ शूज़ वाले भैया आ गए, शूज़ वाले भैया है नहीं तो पता करते। तो चलो आगे चल के देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है भाई इस मार्केट के अंदर। और भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें शूज़ वाले भैया मिले, शूज़ वाले भैया शूज़ पता करते हैं किस किस प्राइस के। भैया जी कितने के हैं शूज़? 350। कोई सा भी लें आप, कोई सा भी ले सकते हैं। आपको 350 रुपये का यहाँ पर ये शूज़ देखने को मिल जाएंगे ठीक है। इस तरह के शूज़ हैं ये, 350 रुपये के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखते हैं और हमें क्या, इसके बिल्कुल सामने आपको पैंट वाले भैया मिल जाएंगे ठीक है, शर्ट वाले मिल जाएंगे। पता करते हैं पैंट यहाँ भी, ये देखो कितने देंगे अंकल जी? 250 रुपये की। तो भैया यहाँ पर आपको 250 रुपये की आपको पैंटें इस तरह की देखने को मिल जाएंगी। पहले ही मैंने पता किया वहाँ भी 250 की थी। और ये भैया सारा फ्रेश माल है, 250 में कपड़ा नहीं आता, आपको सिली सिलाई पैंट मिल जाती है। और क्या चाहिए ठीक है। और इसके बगल में आपको शर्ट मिल जाएगी, शर्ट पता करते हैं। भैया कितने की शर्ट है? 150 रुपये की। तो भाई यहाँ आपको 150 की शर्ट भी मिल जाएगी ठीक है, इस तरह की। ये देखो भैया ने टांग रखी है ऊपर, 150 की शर्ट मिल जाएगी और 250 की पैंट। काफ़ी अच्छा लगा देख के। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है भाई इस मार्केट के अंदर। अब भैया आपको यहाँ पे नेहरू जैकेट मिल जाएंगी इस तरह की। पता करते हैं भैया से किस किस प्राइस की हमें ये देखने को मिलती है, क्या क्या क्वालिटी है। देखो भैया ने वहाँ भी टांग रखी है। भैया किस प्राइस से शुरुआत हो जाती है इनकी? 250 से लेकर 350 तक की है। तो भैया ये 200 से लेके 350 तक की आपको नेहरू जैकेट पड़ेगी। 200 वाली कौन सी रहेगी भैया जी? अच्छा ये 200 रुपए की है भैया ठीक है, इस तरह की। ये देखो और भैया इसके बाद जो 250 वाली है वो कौन सी है? ये तो ये 250 की, इसमें देखिए कुछ फ़र्क होगा अंदर जो ये लगा हुआ है ना, इनका फ़र्क है ना भैया, कपड़े का फ़र्क है। अभी इसके ऊपर जो जाएंगे तो ये कितने, 300 रुपये की? 350 रुपये की रहेगी ये भैया हमारे देंगे, 350 रुपये की। और ये भैया ने लगा रखे अच्छे अच्छे आर्टिकल ऊपर। भैया वो महंगे वाले सेम रेट है? तो भैया सेम रेट है, ये हमारे भाई है जो कि आपको नेहरू जैकेट आपको दे रहे हैं। इनके बगल में आपको 50 रुपये चश्मा मिल जाएगा। देखो भैया ने लगा रखा है, एक ही दाम 50 रुपये ना भैया जी? 50 रुपये ना, 50 रुपये भाई, चाहे आप कोई सा भी लें आपको 50 रुपये का ही देखने को मिलेगा चश्मा। अच्छा लगा। और आगे देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है भाई। हम यहाँ तक आ गए, सामने आपको बिल्कुल ये आपको दिख रही होगी जामा मस्जिद ठीक है। यहाँ एक अंकल जी बैठे हैं जो कि वॉलेट बेच रहे हैं और ये बेल्ट। अंकल जी कितने देंगे? 100 रुपये का जनाब। 100 रुपये का, कोई सी भी ले? कोई सी भी ले लिए, 100 रुपये का। अच्छा 50 का है, ये 100 का। अच्छा वॉलेट 50 का है, वो 100 का। दो क्वालिटी हमारे अंकल जी के पास, जो 50 का और 100 का। और ये जो बेल्ट है ये 100 रुपये की है ठीक है। और इसके बगल में आपको ये जो सामान रखने वाली चीज़ें ये भी मिल जाएंगी ठीक है। जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं ठीक है, यहाँ फ़ोन रख लो और फिर यहाँ टांग लो, इस तरह की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ कैब मिल जाएगी। कैब वाले भैया है नहीं तो कैब पता करते। इधर चलते हैं, यहाँ आपको अंगूठियाँ मिल जाएंगी भाई। मैंने पहले भी आपको शायद ये अंगूठियाँ दिखाई होंगी ठीक है, हैवी अंगूठियाँ। ये देखो पता करते हैं अंकल जी कितने की अंगूठी देंगे आप? 50 कितने की? 50 रुपये की। भाई इतनी हैवी अंगूठी आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपये की ठीक है। ये अंकल जी हैवी भी 50 रुपये की? अच्छा सबका रेट सेम है, आप कोई सी भी लो। ये देखो इतनी हैवी अंगूठी 50 रुपये की। अच्छा ये नाम वाली भी मिल जाएंगी, जैसे आपका जो नाम है ए बी सी डी से चालू होता है ना, वो वाली भी आपको मिल जाएंगी ठीक है। और अंकल जी ये वाली कितनी मिलेंगी? 20 ये अंगूठी वाली है ना, अंगूठा पहनते हैं ये 20 रुपये की मिलेंगी अंगूठे वाली ठीक है। और ये कान के टॉपर्स है ना, 5-5 रुपये के ठीक है। और ये लेडीज़ वाली है, ये 20-20 रुपये की मिलेंगी आपको ठीक है। इस तरह की हमारे अंकल जी रखते हैं, ये अंकल जी हैं ठीक है। अच्छा लगा मिलके। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट में। बिल्कुल सामने आपको जामा मस्जिद दिख रही होगी। तो हम यहाँ, अब भाई यहाँ आपको टॉवल मिल जाएंगे 100 रुपये के। देखो 100 रुपये की सेल लगा रखी है टॉवल। आप कोई सा भी टॉवल लें, साइज ये रहेगा, ये देखो पूरा बड़ा साइज़ है भाई साहब, केवल 100 रुपये का टॉवल मिलेगा आपको ठीक है। और इस यहाँ भैया आपको लेडीज़ चप्पलें मिल जाएंगी, सैंडल मिल जाएंगी, जूतियाँ मिल जाएंगी, यहाँ से लेके वहाँ तक सभी लेडीज़ आइटम रखी हैं। भैया किस किस रेट की हैं? 150 रुपये की भाई। 150 रुपये की। तो भैया ये 150 रुपये की आपको ये जूतियाँ मिल जाएंगी लेडीज़ ठीक है, चप्पलें मिल जाएंगी। इधर देखो 150 की सेल लगा रखी है भैया ने ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो शूज़ पता करते हैं। यहाँ से लेके आगे तक ना आपको शूज़ का ही मिलेगा, यहाँ से शुरू हो जाओ आगे तक शूज़ ही शूज़ मिलेंगे देखने को ठीक है।
ये देखो इस तरह के शूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पता करते हैं भैया जी किस रेट का पड़ेगा भाई, कितने पड़ेगा ये? 350 रुपये का हमारे भाई आपको यहाँ पे दे देंगे। भैया सेल लगा रखिए 350 की, कोई सा भी लें तो भैया कोई सा भी लें आपको 350 रुपये का ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। हमारे भाई है ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है भाई। यहाँ चलते हैं, जैसे मैंने बताया इस लाइन में आपको शूज़ ही शूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ भैया आपको ये प्लाजो नहीं भैया जी, किस रेट का पड़ेंगे? 150 का दो, यानी अच्छा 75 का एक भी दे देंगे भैया, एक भी दे देंगे प्लाजो ठीक है 75 का। ये हमारे भाई जी हैं, अच्छा सारा डिज़ाइन दिखा रहे हैं ठीक है, सारे डिज़ाइन मिलेंगे ठीक है। और ये बिल्कुल जामा मस्जिद है सामने, जब यहाँ से सीधा सीधा आएंगे तो भैया अच्छा लगा भाई जी मिलके। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है भाई। यहाँ चलते हैं, यहाँ लोवर वाले भैया मिले, लोवर ही लोवर ठीक है। इधर टी शर्ट ही टी शर्ट मिली, पता करने की कोशिश करते हैं टी शर्ट किस किस प्राइस की हमें देखने को मिलती है भाई यहाँ पर। ये देखो बे कितने देखो भैया, 150 ऊपर वाली भैया 150 क्या बात है। कंपनी घाटा में आई, पब्लिक का फायदा है, लेके जाओ लेके जाओ। सिलाई में जाएगा 400 रुपए लगेगा। कितना बोला? सिलाई में जाएगा 400, 200 कपड़ा का, 200 सिलाई का, 150 में कपड़ा में मिलेगा आपको, काले मिलेगा, लेके जाओ लेके जाओ। पूरे डायलॉग के साथ बेचते हैं और यहाँ आपको 150 रुपए की ये टी शर्ट देखने मिल जाएगी वो वाली। लेके जाओ लेके जाओ, एक भैया लेके जाओ लेके जाओ। देखो भैया जी ये वाला भी लेगा, कितने? 150। चलो ये हमारे भैया 150 हाथी का आ जाएगा, हाथी का ये वाला ये का, ये देखो 150 एक दाम सबको। ये भाइयों के बाद आगे चलते हैं, ये भाई बहुत जोर जोर से आवाज आगे बेचते हैं। यहाँ देखो लोअर लोअर मिल जाएंगे, किस प्राइस रहेंगे? 150 रुपए ये हमारे भाई देंगे, 150 रुपए के आपको लोअर ठीक है। और भैया जी वो पीछे वाले 150 रुपए कोई सा भी ले 150 रुपए कोई सा भी 150 रुपए। तो भैया शॉर्ट्स कितने देंगे? 100 रुपए भैया जी, एक पीस दे सकते हैं हम? ये आपको 100 रुपए की मिलेगी ना, तो भैया ये 100 रुपए की मिलेगी आपको ठीक है। भैया दे रहे 150 रुपए की और ये 100 रुपए की, जहाँ तिब्बती मार्केट लगती थी भैया उसके बिल्कुल बाहर बैठे हैं और ये बिल्कुल सामने जामा मस्जिद के सामने बैठे हैं। भैया जी मिलकर अच्छा लगा, नहीं बस धन्यवाद भाई साहब। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट में। तो भाई हम मात्र 100 मीटर की दूरी पे हैं जामा मस्जिद की, आप देख सकते हैं, और 100 मीटर बाद जामा मस्जिद का गेट आ जाएगा। तो भैया यहाँ पता करते हैं, यहाँ भी हमें चप्पल देखने मिली, एक बाबा जी चप्पल बेच रहे हैं, चप्पल पता करते हैं। बाबा जी कितने की देंगे चप्पल जी? 100 रुपए की। ये सेल है क्या आपकी? कोई सी भी लें, अच्छा कोई सा भी आप लेंगे तो आपको हाँ कलर वलर कोई सा भी लो आपको 100 रुपए का ही देखने को मिलेगा ठीक है। ये बाबा जी हमारे जो बेच रहे हैं, इधर चलते हैं यहाँ देखते हैं। तो भाई हम बिल्कुल जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ये देखो भाई इस तरह का बाज़ार है, बिल्कुल आसपास जो बाज़ार लगता है वो इस तरह का है ठीक है। ये देखो इधर आपको ड्रेस मिल जाएंगी ठीक है लेडीज़ की, तो मैं बिल्कुल आसपास हूँ जामा मस्जिद के और आप देख सकते हैं यहाँ का बाज़ार किस तरह का लगता है, इस तरह का माहौल है ठीक है। और आगे चलते हैं, बिल्कुल वहाँ तक चलेंगे और देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है भाई। ये मैं यहाँ का जो नीचे का जो ऊपर चढ़ने पहले किस तरह का माहौल लगता है मैं वो दिख रहा था आपको कि इस तरह का माहौल यहाँ पे आपको मिलता है देखने को ठीक है। तो थोड़ा इधर चलते हैं, इधर भी मार्केट लगी है, इधर का पता करते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अरे भाई हमें इस तरह के बर्तन देखने को मिलते हैं जो बहुत ही यूनिक है, ये देखो भैया पता करते हैं कैसी क्या क्या चीज़ रखते हैं भैया जी। ये देखो इस तरह के बर्तन मिलेंगे काफ़ी यूनिक और हटके, पता करने भैया जी ये क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? गुलाब पानी छिड़कने, अच्छा गुलाब पानी छिड़कने का है, ये 300 का जोड़ा देंगे ठीक है। और देखते हैं ये तो सुरमेदानी है भैया जी, ये 10 रुपए की पड़ेगी आपको सुरमेदानी। बहुत सी चीज़ें हमारे भैया के पास, ये अगरबत्ती रखने लगाने वाली ना भैया जी, ये कितने देंगे? 150 रुपए की ठीक है। और भैया जी ये क्या चीज़ है जो ये अगरबत्ती स्टैंड, ये भी अगरबत्ती स्टैंड है, ये कितने देंगे भैया जी? 200 रुपए। अरे यार ये बर्तन देखो, अब ये बर्तन लुप्त होते जा रहे हैं ठीक है, पर भैया ने यहाँ अभी भी बेचते हैं। देखो भैया जी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पानी पिलाने लो क्या बोलते हैं? लोटा है ये। लोटा ये कितने कितने देंगे भैया जी? 950 का। एक बार देख सकते हैं भैया जी हम, ये देखो ये भाई साहब ये चीज़ है जो आपको 950 रुपये की मिलेगी। भैया जी किस धातु की बनी होती है? पीतल की है। तो भैया जी इस तरह के हमारे भैया जी दे देंगे आपको ठीक है। और ऐसी बहुत यूनिक यूनिक चीज़ रखी है हमारे भैया ने। भैया जी ये क्या चीज़ है नीचे जो लगा रखा है आपने? ये फूल रखने को, फ्लावर। फ्लावर ये कितने पड़ेगा? ये जोड़ा 1100 रुपये का। अरे भैया जी ये दिखाना, ये जिन क्या जिसे हम ने वो नाटकों में देखा था, ये जिनको रगड़ोगे वो जिन्ना निकल जाएगा क्या होता था, ये क्या 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 बोलते हैं इसको? ये अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग है सही बताऊँ भैया जी, हमने तो अलादीन का चिराग सुना था, इसको बोलते क्या? चिराग है। चिराग है ये किस काम आते हैं भैया जी? शोभित है।
शो पीस है। तो भाई अलादीन का चिराग मिल गया मुझे, मैं बचपन से तलाश कर रहा था इस चीज़ की और मुझे अब मिला जाके, ठीक है। तो भैया ये कितने पड़ेगा अलादीन का चिराग? 350। एक बड़े वाला भी है ना इसके अंदर? बड़े वाला कितने देंगे? अच्छा भैया कुछ रगड़ लूँ कुछ निकल जाए क्या पता जिन निकल जाए भाई हमारी भी किस्मत खुल जाए। तो भाई हमने बहुत इन्जॉय किया वो सीरियल, बस ने बहुत फेमस सीरियल था। थैंक यू भैया जी, आपने अपना समय दिया, ठीक है। और भी ऐसे भैया के पास बहुत सी चीज़ें, तो भैया पता कर लेते हैं भैया जी ये कितने पूरा सेट आएगा? ये 1500 सेट है, जिसमें 4 गिलास ये पानी पिलाने वाला और ये, ठीक है भैया। ये तो वो होगी ना गुल्लक, पान रखने का, ये पानदानी कितने की देंगे? कितने देंगे भैया जी? 400 रुपये की। वाह यार मज़ा आ गया आज ये सब चीज़ें देख के, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और ख़ास तौर पे ये अलादीन का चिराग, ठीक है। तो भैया काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। अब भैया हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ जामा मस्जिद के, ये देखो। और भैया ऊपर जाने से पहले ही हमें ऐसे सजाने के लिए जो चीज़ें घर में यूज़ होती हैं वो मिल गई। भैया जी ये कितने पड़ेंगे? 200 रुपये। अच्छा फिक्स प्राइस है 200 रुपये 250। ये इसको लटकन क्या बोलते हैं? इसको बोलते क्या है? झूमर बोलते हैं। झूमर हाँ ये झूमर है 200 रुपये 250 रुपये। और वो वाले झूमर कितने पड़ेंगे भाई जी? 300 का 400 का, इससे बड़ा 500 का है। अरे बहुत सुंदर सुंदर भैया ने झूमर रखे हैं, 300, 400 और 500 के ना, 200, 250। अच्छा भैया जी ये जो मेयर है ये घर में लगाने, ये कितने पड़ेंगे भाई जी? ये 250 का बड़ा वाला, इसके बाद 200 रुपये का। ये 250 रुपये का बड़ा वाला जिसमें 3 मेरे मिलेंगे आपको, ये बीवी बच्चे भी। अरे यार भैया जी ऐसा हो मत यार, मियाँ बीवी बच्चे, तो भैया मियाँ बीवी बच्चे हैं, ठीक है। जो आपको 250 पड़ेंगे ना भैया जी, क्या बात है। 200 का और ये 200 के पड़ेंगे, इसमें मियाँ भी बच्चे ही आएंगे, इसमें भी 3 ही आएंगे ना, उसमें मियाँ बीवी। अच्छा मियाँ बीवी है, अच्छा अच्छा चलो भाई, चलो भाई उसमें एक कम हो गया तो हमारे भैया जी हैं, काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके। तो भैया जब आप आएंगे तो हमारे भैया की जो शॉप है जहाँ मजे जब नीचे की तरफ उतरेंगे तो 2 नंबर गेट से, तो भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके। और आगे बढ़ते हैं और भाई यहाँ चलते हैं, और यहाँ भैया हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने मिली, भैया से पता करते हैं। ये काफ़ी सुंदर सुंदर भैया ने ज्वेलरी रखी है, ठीक है। भैया किस किस प्राइस की है? 100 के है। अच्छा ये 100 रुपये का है, 150, 200, 300, 800। अरे यार ये देखिए कितनी खूबसूरत आपको मिल जाएंगी। भैया जी एक बात और बताएं, कुछ बार्गेनिंग हो जाती है? नहीं, फिक्स प्राइस है। फिक्स है तो भैया फिक्स प्राइस है, ये 100 रुपये का आपको मिल जाएगा, 150, 200 और ये 300। मुझे 800 वाले काफ़ी सुंदर लगे भाई, ठीक है। भैया गेट नंबर 2 से आप जब बाहर निकलेंगे तो हमारे भैया जी आपको ये वाले भैया मिलेंगे, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हाँ तो भैया इनके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें भैया चप्पल देखने को मिली, ठीक है। यहाँ भैया पता करते हैं भैया जी किस किस प्राइस की है भैया जी, किस प्राइस की देंगे? 100 रुपये। तो भाई देंगे 100 रुपये की चप्पलें। और आगे बढ़ते हैं हम बिल्कुल यहाँ पे आगे भाई, जामा मस्जिद पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पता करते हैं हमें और क्या, अरे यार कितना सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं चारों तरफ, ठीक है। यहाँ शूज़ मिल जाएंगे और ये बिल्कुल सामने जामा मस्जिद है, ठीक है। यहाँ खिलौने मिल जाएंगे, पता करते हैं खिलौने किस किस प्राइस के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। भैया जी किस किस प्राइस रहेंगे? हैं भैया जी कितने रहेंगे? 100 रुपये के 3 आपको खिलौने मिल जाएंगे यहाँ देखने को, 100 रुपये के 3 मात्र, ठीक है। और आगे देखते हैं, अरे थैंक यू, जानते हो हाँ अरुण ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच भैया। कहाँ से आप? मैं असम से हूँ। अरे असम से हैं, अरे क्या बात है भाई, एक भाई मिले असम से हैं। तो भैया आप क्या करते हैं? मैं भी ब्लॉग करते हैं, तो भाई ब्लॉग बनाता हूँ। भाई असम से आए हैं, मैं क्लास 12 के बाद अभी ब्लॉगिंग शुरू किया। मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया घूम चुका हूँ, अभी इस तरफ मैं घूम रहा हूँ, मतलब नॉर्थ इंडिया। चलो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, ठीक है, थैंक यू सो मच। रामेश्वरम ये सब मैं घूम चुका हूँ। अरे वाह महादेव की नगरी गए हो आप, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई से मिलके, ये सब घूम चुका हूँ। चलो अच्छा लगा भाई, दोबारा मिलते हैं, ठीक है, अभी मैं शूट करता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।